होता जाएगा। जी इसी से उतरता दूसरा सवाल है कि जब नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद की तरफ तशरीफ ले गए तो उसके मैंने मूसा अलैहिस्सलाम का भी कब्र में नमाज पढ़ते हुए देखा, फिर आसमान पर कितनी दफा उनसे मिले और मूसा अलैहिस्सलाम ने आज उसके पीछे भी इमाम लोबिया के पीछे भी वहां मस्जिद में नमाज अदा फरमाई। अब नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इमाम अंबिया हैं उनके मुतल्लक नहीं, मूसा अलैहिस्सलाम को भी डॉक्टर साहब एक ही वक्त में आपने नहीं देखा कि यहाँ कब्र में है यहाँ मस्जिद में है यहाँ आसमान पर, मुख्तलिफ वक्तों में। जैसे अब मैं मिलर टाउन में था, अब यहाँ हूँ, तो टाइम बदल गया ना, जब कब्र में देखा वो और वक्त था, फिर वो मस्जिद अक्सा में चले गए और टाइम था आसमानों पर, मुख्तलिफ औकात में। ये जो है ना कि एक ही वक्त में एक आदमी मुतअद्दिद जगहों पर हो, मुख्तलिफ वक्त, वो बात करते हैं। फिर पहले ये बात क्लियर हो कि एक तो ये बात जो मशहूर है कि आपने मस्जिद अक्सा में इमामत कराई अम्बिया अलैहिस्सलाम, ये भी बात ठीक नहीं। इमामत आपने कराई है, अम्बिया अलैहिस्सलाम ने आपके पीछे नमाज पढ़ी है, मगर वो कहाँ पढ़ी है ये कोई क्लियर बात नहीं। जो कहते हैं ना कि जाते वक्त आपने पढ़ाई, अम्बिया अलैहिस्सलाम जमा हो गए, फिर इमाम इब्ने कसीर के जहन में सवाल पैदा हुआ, बिल्कुल ये सवाल वैलिड है कि जब यहाँ मिले, तकरीरें हुई, स्टेजों पर चढ़कर उन्होंने अपना तारुफ कराया, जब आसमान पर पहुँचे तो फिर इब्राहिम जबरील अलैहिस्सलाम से पूछना शुरू किया कि ये कौन है, ये कौन हर आसमान पर, तो इतनी जल्दी भूल गए उन्होंने, फिर जान छुड़ाई कि नहीं। वापसी पर हुआ, हजूर जब आए जुलूस बनता गया, अपने मकामों से अम्बिया आते गए और फिर सारे जो थे मस्जिद अक्सा में आपकी बीजे नमाज कर पढ़ के वो अपने मकामों की तरफ तशरीफ ले गए, हजूर मक्का की तरफ आ गए। उन्होंने इसका हल ये किया कि वापसी पर हुआ, मगर मैंने जब मजीद तहकीक की तो देखा कि सिरे से जिक्र ही नहीं सही है जिसों में कि वो मस्जिद अक्सा में नमाज हुई थी, इसलिए बोर बैठने जिन्हें आसमान का जिक्र है वो ज़्यादा मकबूल कि सारे अम्बिया का इजमा आसमान पर हुआ, वहाँ आपने उनकी इमामत कराई, जो कब्र में देखा वो दूसरा मौका कि आप गुजरे और आपने देखा। अब रह गया सवाल आपका कि आज आ सकते हैं, कोई बंदिश नहीं, आने में अब भी कोई रुकावट नहीं, अल्लाह की मर्ज़ी है, अगर किसी नबी अलैहिस्सलाम को वह इजाज़त दे पहले हों या हुज़ूर अलैहिस्सलाम हो और वो चले जाएं वहाँ, तो दीन इसमें कोई रुकावट नहीं डालता, मगर उसका सबूत होना चाहिए। हम अपनी तरफ से गाड़ लेना कि इस महफल में आए हैं तो ये तो कोई बात नहीं, हमें कोई पता भी हो कि दीन कहता है या किसी ने आंखों से देखा फिर तो बात है, खाम खाई अगर हम तसव्वुर करें तो वो डॉक्टर साहब बस एक दिल को खुश करने वाली बात है ना, प्रूफ होना चाहिए, बाकी रुकावट नहीं, बिल्कुल कोई रुकावट नहीं। अल्लाह ताला जहाँ चाहे अपने अम्बिया अलैहिस्सलाम को इजाज़त दे दे और या को दे दे,